हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो डेटा ट्रांसमिशन को लेकर के है। तो चलिए डेटा ट्रांसमिशन के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है। पहला ही टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन। तो जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ पढ़ते थे, उन लोगों ने काफ़ी समय से रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा डेटा ट्रांसमिशन के भी बारे में बताइए, और ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट चल ही रही थी कि नेटवर्किंग के बारे में बताइए। तो आज वो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि डेटा ट्रांसमिशन पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। डेटा का एक से दूसरे जगह जाना ये कहलाता है डेटा ट्रांसमिशन। ट्रैवल करना डेटा का, एक जगह से ट्रैवल करके दूसरे जगह जाना, दूसरे से तीसरे जगह जाना, दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है। डेटा ट्रांसमिशन का जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक पैरेलल होता है, एक सीरियल होता है, ठीक है। अब पैरेलल क्या होता है, सीरियल क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्वेश्चन तो कभी कभी इसी पे आ जाता है कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में एक बार में कितने बिट का डेटा ट्रेवल करता है, सीरियल में एक बार में कितने बिट का डेटा ट्रेवल करता है। बिट के बारे में जानते होंगे आप जरूर, अगर आपने मेमोरी पढ़ी होगी तो। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, ओके। तो अभी बात करते हैं हम कि ये पैरेलल ट्रांसमिशन में एक बार में कितना बिट का डेटा ट्रेवल करता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में एक बार में 8 बिट का डेटा ट्रेवल करता है, और सीरियल ट्रांसमिशन में एक बार में एक ही बिट का डेटा ट्रेवल करता है। पैरेलल में 8 बिट का डेटा ट्रेवल करेगा और सीरियल में वन बिट का डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया, पैरेलल ट्रांसमिशन बहुत ही फास्टर होता है। और इसके लिए जरूरी है कि दो डिवाइसेज आपके पास हैं तो उनकी क्लॉक सेम हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, दोनों एक ही तरह के डिवाइसेज हों, तो बहुत तेजी से डेटा जाएगा उसमें, ठीक है। और अलग अलग होंगी तो उसमें सीरियल ट्रांसमिशन बनाया गया है, उसमें सीरियल ट्रांसमिशन होता है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि सबके पास एक के जैसा मोबाइल, सबके पास एप्पल होगा क्या, सबके पास एक ही मोबाइल होगा। हमारे पास रेडमी है तो कोई जरूरी है आपके पास भी रेडमी ही होगा, रेडमी का एकदम हायर सेट बढ़िया वाला हो, 9A 10A क्या आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होना ज़रूरी है पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए। और अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, भाई हमारे पास एक तो लावा का मोबाइल है, आपके पास बढ़िया वाला है, ठीक है, रेडमी का, तो उस कंडीशन में जो डेटा ट्रेवल करेगा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उस कंडीशन में सीरियल ट्रांसमिशन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डेटा आ जाएगा, तो उसे कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। एक बार में एक बिट का डेटा ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो पैरेलल और सीरियल में अंतर क्लियर हो गया। कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम की। ट्रांसमिशन सिस्टम कुल मिला के तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपलेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा होता है डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के ट्रांसमिशन सिस्टम हो गए। अब सिंपलेक्स क्या होता है, सिंपलेक्स में क्या होता है ना कि एक बार में क्या होता है कि डेटा वन बिट एक ही दिशा में ट्रेवल करेगा, फिर वो लौट के नहीं आएगा, एक दिशा में जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, एक कीबोर्ड देख रहे हैं, कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड से अगर मैं कुछ लिखता हूँ सिस्टम पे तो दिखाई कहाँ पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा हमें मॉनिटर पे, ठीक है। माउस से कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा तो माउस से जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो कहाँ दिखाई पड़ेगा, वो मॉनिटर पे दिखाई पड़ेगा। माउस से अगर मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि माउस में दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा किस में, वो दिखाई पड़ेगा आपके मॉनिटर में। और अगर बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड से अगर कुछ लिखता हूँ तो वो कहाँ दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा मॉनिटर में। और अगर देखना है तो मॉनिटर में लिखेंगे थोड़ी ना, मॉनिटर में सिर्फ देख सकते हैं, लिखा और लिखने काम किसे करेंगे, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड से खाली एक ही काम होगा लिखने का। ये हेडफोन है, देखिए ना ये हेडफोन है, तो हेडफोन में क्या होगा, ऐसा तो नहीं ना कि हेडफोन में ये जो हेडफोन हमने हाथ में लिया है इसमें खाली सुनाई देगा, वन वे ट्रांसमिशन है, ठीक है, वन वे ट्रांसमिशन है, खाली एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होगा, एक ही काम होगा, खाली सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स का एग्जांपल समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेक्स की। आपने कभी बॉर्डर पिक्चर देखा है, बॉर्डर पिक्चर में वो जो हीरो होता है वो क्या करता है, वो बोलता है अल्फा वन टू डेल्टा वन सर ओवर, जब वो ओवर बोल देता है अपनी बात कह लेता है तब दूसरा पक्ष बोलना चालू करता है। और इस प्रकार के ट्रांसमिशन को जो कि वॉकी टॉकी में होता है, इसका एग्जाम्पल वॉकी टॉकी हो सकता है, तो इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है इसे बोलते हैं हम हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। टू वे ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में, मतलब दोनों पार्टीज आपस में बातचीत कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि खाली कीबोर्ड की तरह की एक ही दिशा में होगा। तो इसमें दोनों टू वे ट्रांसमिशन होता है, लेकिन एक बार में एक ही आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी नहीं बोल सकता, या एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, वो जब टास्क परफॉर्म हो जाएगा तब दूसरा वाला टास्क आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए ना मेरा मोबाइल है, देखिए अब इससे हम किसी को फोन लगाएं, हेलो क्या हाल चाल है जी, अरे हमारा पैसा नहीं,
अभी हम बोल रहे हैं कि पैसवा नहीं दिए, तब तक जो है दूसरा आदमी बोलना चाहे पहुंचा दिए हैं, अभी लेकर पहुंच ही रहा है, अभी हम बोल ही रहे हैं और दोनों लोग एक ही साथ बोलना चालू, तो इसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो ये अलग अलग तरह के ट्रांसमिशन थे जो कि इस लेक्चर से क्लियर हो जाने चाहिए, एग्जाम्पल दे के समझाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। थैंक यू।